बासित जो मारा गया है। इस एनकाउंटर में कल शाम से पूरे इलाके को घेरा गया था, यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और कल से ही रेडवानी इलाके में ये आतंकी घिरे हुए थे। इन दोनों आतंकी को मार गिराया गया है। घाटी में लगातार आतंकवादियों का सफाया इस वक्त हो रहा है। रेडवानी इलाके में घिरे हुए थे आतंकी, दो आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। खालिद, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बीती रात से मुठभेड़ चल रही थी रेडवानी इलाके दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में और आखिरकार सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। जहां उन्हें इनपुट था कि दो से तीन मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं और दो मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर वहां मिल रही है, उनकी बॉडी रिट्रीव कर ली गई है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी तक खबर आ रही है कि इसमें जो एक मिलिटेंट मारा गया है वो बासित डार है। बासित डार बताया जा रहा था कि वो टीआरएफ का ऑपरेशनल चीफ था पूरे कश्मीर घाटी में और अगर पूरी तरह से शिनाख्त के बाद ये सुनिश्चित हो जाता है कि वाकई बासित डार से मारा गया है, निसंदेह ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। क्या अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और ये दिखंगाला जा रहा है कि क्या कोई और मिलिटेंट का शव वहाँ तो नहीं है और हथियार और गोला बारूद जो मिलिटेंट के पास थे उनको भी रिकवर करना है। एक बार इस पूरे एरिया को जब तक क्लियर किया जाए तब तक इसको वहाँ से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हटाया नहीं जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बासितदार का मारा जाना। बासितदार जितने भी कश्मीर में टारगेट किलिंग अभी तक हुई है उसमें उनको उसका नाम आया है और टीआरएफ का वो ऑपरेशनल चीफ रहा है और अक्सर उसकी मूवमेंट जो है फॉरेन मिलिटेंट्स के साथ देखी गई है, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी मिलिटेंट जो होते थे उनके साथ वो रहता था और उनके ये वो गाइड का काम भी किया करता था। तो उसका अगर वो पुष्टि हो जाती है पूरी तरह से बासित जिसको मारा गया, का ये टॉप कमांडर बासित है, अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन माना यह जा रहा है कि वही है जिसका एनकाउंटर किया सुरक्षा बलों ने। बिल्कुल, बासितदार आप मैं आपको बताऊं ये मोस्ट वांटेड मिलिटेंट जो था पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी की सूची में, ये कुलगाम का ही रहने वाला था और इस पर 10 लाख रुपए का रिवार्ड भी रखा गया था पुलिस द्वारा क्योंकि काफी सक्रिय था। एक तो ये जो न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट्स होते थे उनको जो है अपने साथ चलाने में माहिर था। इंतजार करना होगा कि औपचारिक बयान दिया जाता है। हालांकि रेडवानी इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, इलाके में कल शाम से मुठभेड़ जारी, दो बड़ी सफलता, दो आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। शुक्रिया खालिद आपका तमाम जानकारी के लिए।